अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू महजीज किचन। आज मैं आपको चिकन कबाब की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और ये थोड़ी अलग रेसिपी होती है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं चिकन कबाब की रेसिपी। चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को कुकर में डालेंगे। हाफ के जी चिकन लिया है हमने। चिकन को हम बॉईल करेंगे। अब साथ ही इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल हमने एक कप ली है, जिसको हमने 10 से 15 मिनट भिगो लिया था। इसको भी हमने कुकर में डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। 5 से 6 हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और 5 से 6 हम इसमें बे लीव्स ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे जिससे हमारा दाल और चिकन अच्छे से डूब जाएँ। इसको एक बार चला देंगे और ढक कर इसे तकरीबन हम 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे, यानी कि 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। चिकन को हमें अच्छे से गलाना है। 20 से 25 मिनट हो गए, 5 से 6 सीटी भी आ गई हैं। एक बार चेक करेंगे, अब देख सकते हो दाल है वो बिल्कुल ही घुल गई है। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए चिकन बनाने के लिए। अब हम चिकन के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने एक चम्मच ज़ीरा लिया है, एक चम्मच हमने काली मिर्च ली है, एक चम्मच हमने लौंग ली है, 3 से 4 हमने सिनेमन स्टिक ली है और 1/4 कप हमने साबुत धनिया लिया है। आप देख सकते हैं इसको भी इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का दरदरा करना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना किया है। आप देख सकते हैं मैंने चिकन और दाल को और जो सभी मसाले थे हमने जो कुकर बॉईल किए थे सभी को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। साथ ही अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज आप अपने अनुसार कितनी भी डाल सकते हैं। एक लहसुन की गुली जिसे हमने बारीक चॉप कर ली। 5 से 6 हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये हमने जो मसाला तैयार करा था वो डाल देंगे। आपको जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इससे इसमें चिकनाहट आ जाएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ में। इस तरह से उसको गोल करेंगे। अगर आपके हाथ में कीमा चिपक रहा है तो आप तेल भी लगा सकते हैं अपने हाथ में। इस तरह से घुमाते हुए हम कबाब बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कबाब बन गया है। ज़्यादा मोटा नहीं बना, ज़्यादा पतला नहीं बना, बिल्कुल मीडियम साइज़ का बना है। अगर आपको सीख कबाब बनाने हैं इसी पेस्ट में, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा चिकना कर लीजिए। आराम से आपके सीख कबाब भी बन जाएंगे। इस तरह से इसको घुमाते हुए हम बाकी के कबाब भी तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन हो, वो आपको सबसे पहले मिले। इस तरह से बाकी के कबाबों को भी हम बना लेंगे। एक पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे बटर। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन कबाब बटर में बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस तरह से हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे कबाब। आप देख सकते हैं हम एक एक करके इसमें कबाब डालेंगे। कबाब को 2 से 3 मिनट तक हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब गैस फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे ना लो रखेंगे, मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जो हमारे कबाब हैं उसको हम पलट देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है कबाब का। आप देख सकते हैं बाकी सारे कबाब हम इसी तरह से पलट देंगे। अगर आपने कभी इस तरह की रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, या कोई ओकेशन हो तब बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरी साइड से भी कबाब को हम सेक लेंगे। थोड़ा बटर डालेंगे जिससे कबाब हमारे अच्छे से सिक जाएँ। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या देसी घी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने सभी कबाब के साइड में बटर डाल दिया है। जो हमारे कबाब है वो बनकर तैयार हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब तैयार हो गए। मैं एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।